अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन लिटर लाइब्रेरी में आप आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मैथ्स के ट्रिक्स कि हम इजीली किस तरह मैथ्स के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो हमारे पास नंबर है 15, इसका स्क्वायर जब हम लेते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इजीली दो सेकंड दो स्टेप्स में आप लोग इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर क्या है? 25। और यहाँ पे जो नंबर होगा उस इसको इसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इससे क्या आ जाएगा? 225 था तो का स्क्वायर आ गया। दूसरा नंबर है 25, इसका स्क्वायर किस तरह लेंगे? 5 का स्क्वायर क्या है? 25, 2 है इधर, 2 से अगला नंबर क्या है? 3, 2 3 6, 625 स्क्वायर आ गया। इसके बाद 35, इसका स्क्वायर किस तरह लेंगे? 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 के बाद 4 आता है, 3 4 12, तो इसका स्क्वायर 1225 स्क्वायर आ गया। बड़ा नंबर लेते हैं 75, इसका स्क्वायर किस तरह लेंगे? 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर क्या, सॉरी 7 के एक बाद क्या आता है? 8, 7 मल्टीप्लाई बाय 8, 7 8 जा 56, 5 6 25। इससे भी बड़ा नंबर लेते हैं 95, 95 का स्क्वायर क्या है? सॉरी 5 का स्क्वायर 25, 9 के बाद क्या आता है? 10, 9 10 90, इसके पास स्क्वायर आ गया। तो इस तरह आप 2 सेकंड में इजीली स्क्वायर निकाल सकते हैं उन नंबर का जिनके एंड में 5 आता हो, नंबर एंडिंग विद 5। तो इस स्टेप से, इस 2 स्टेप से आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं इजीली। 2 स्टेप से 2 सेकंड लगेंगे आप लोगों के, तो इस तरह आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर नियर विथ 50। पहले 50 जो नंबर से 45, 46 इनका स्क्वायर लेते हैं। 45, आप अपने जहन में एक नंबर नोट कीजिए 25, जहन में 25 को रख लीजिए। आप इसको देखें कि ये नंबर 50 से कितने डिजिट्स कम है। ये नंबर 50 से 5 डिजिट्स कम है। 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या है? 25। उस 5 को इससे माइनस कीजिए, 25 माइनस 5 20, तो 20025 आपका स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद 47 का स्क्वायर देते हैं। 47 50 से कितने डिजिट्स कम है? 3। 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या है? 9। 9 है, लेकिन हम 9 नहीं लिखेंगे, 9 के साथ इधर 0 भी लिखेंगे। 9 के साथ जब 1 2 9 नंबर आते हैं इस ट्रिक्स, इन ट्रिक्स में, तो इसके साथ पहले 0 भी लिखेंगे, साथ में 0 भी लिखेंगे। सो 50 से कितने डिजिट्स कम है? 3। 3 का 9, 25 माइनस 3 22, आप लोगों का स्क्वायर आ गया। अब रस करें 49, ये 50 से कितने डिजिट्स कम है? 1। तो 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1 आता है, लेकिन हम साथ में 0 भी लिखेंगे। अच्छा 25 माइनस 1 कर लें तो क्या आता है? 24 स्क्वायर आ गया। एक और नंबर ले लेते हैं 42। 42 कितने डिजिट्स कम है 50 से? 8 डिजिट्स। 8 डिजिट्स कम है तो 8 का स्क्वायर क्या आता है? 64।
25 माइनस 8 कर ले, 25 माइनस 8 से 17 स्क्वायर आ गए। इसी तरह आप दो स्टेप्स में उस नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो 50 के साथ नज़दीक हो। अब पहले हमने उन नंबर का जिक्र किया जो 50 से पहले आते हों, आप उन नंबर्स का जिक्र करेंगे जो 50 के बाद आते हैं। अब ये तो 50 से नीचे जो नंबर थे, 50 से पहले जो नंबर आते थे उसका स्क्वायर निकाला। अब हम देखेंगे 50 के बाद जो नंबर आते हैं, जो 50 के नज़दीक हो, उसका स्क्वायर हम किस तरह निकाल सकते हैं। फर्ज करें हमारे पास नंबर है 53, इसका स्क्वायर किस तरह लेंगे। ये 50 से कितना ज़्यादा है? 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या है? 9 है। 9 के साथ हम 0 भी लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? 09। अच्छा, ये 50 से 3 डिजिट ज़्यादा है तो 25 था हमारे पास, 25 के साथ 3 को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 28। तो ये इसका स्क्वायर होगा। इसके बाद दूसरा नंबर 55, इसका स्क्वायर किस तरह लेंगे? 50 से कितना ज़्यादा है? 5 डिजिट्स, 5 का स्क्वायर 25 है। और कितने डिजिट ज़्यादा है? 5 डिजिट ज़्यादा है, 25 प्लस 5 30 स्क्वायर आ गया। इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जो पहले मैंने इसको ऐसे पहले आपको बताया था कि 55 स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है? एंडिंग विद 5 है, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 है और 5 के बाद क्या आता है? 6, 5 × 6 = 30। इन दोनों से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें इस ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं, 57, ये कितने डिजिट ज्यादा है? 7, 7 का हमारे पास क्या है? 49। अच्छा, 25 के साथ अब हम 7 को प्लस कर लेंगे, 25 प्लस 7 से हमारे पास क्या आता है? 32। तो ये हमारे पास स्क्वायर आ गया। एक और भी कर लेते हैं, 54, ये कितने डिजिट ज़्यादा है 50 से? 4 डिजिट, 4 का स्क्वायर 16। और अब 4 डिजिट ज़्यादा था तो 25 प्लस 4 29 स्क्वायर आ गया। इसी तरह आप इजीली इस नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, जो 50 से आगे जो नंबर हो, 50 के नज़दीक और उससे आगे जो नंबर हो, उनका स्क्वायर आप इजीली इस दो स्टेप्स में निकाल सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर किस तरह निकाल सकते हैं। ये तो हमने पहले तो नंबर निर्वित 5 किया, फिर 50 का, फिर उस 50 से पहले जो नंबर आते थे 50 के बाद। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी नंबर्स का आप स्क्वायर किस तरह ले सकते हैं। फर्स्ट के हमारे पास नंबर है 36, रैंडम नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो इसका नंबर, इसका स्क्वायर आप किस तरह लिख सकते हैं दो स्टेप्स में। 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या है? 36। 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या है? 9। अच्छा, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9। सेकंड स्टेप आप लोगों का ये होगा कि इन तीन नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 6 × 2। 36 को इधर ऐड कर लेंगे, पहले नंबर को छोड़कर दूसरे नंबर के साथ, दूसरे नंबर से शुरू कर लेंगे और इसको इधर ऐड कर लेंगे, 12 9 6, इसका स्क्वायर आ गया 49। इसका स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या है? 81। एंड 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या है? 16। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 9 36 36 × 2 72, जैसे क्या आता है? 1 0 1 carry 14 1 carry 2 4 0 1 स्क्वायर आ गया। 2 सेकंड में आप लोगों का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक नंबर लेते हैं 73,
थ्री का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 9 है। 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 49 है। 7 3 जा 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 2 42। 9 2 3 स्क्वायर आ गए। आप एक और नंबर लेते हैं, 99। 9 का स्क्वायर क्या है, पहले इसका स्क्वायर लेते हैं 81, इसके बाद इसका स्क्वायर, इसका भी 81 है। 99 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या आता है, 156। स्टॉप करते हैं। 99 सर क्या आता है, 81, 81 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या आता है, 162 के अंदर ऐड कर लेंगे। पहले नंबर को हम छोड़ेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर से स्टार्ट करेंगे। 1 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 2 6 8 9 स्क्वायर आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 64 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 16, 6 का स्क्वायर 36, 6 4 जा 20, 6 4 जा 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48, 48 इधर ऐड कर लेंगे, 6 9 0 1 कैरी 4, 4096 इसका स्क्वायर आ गया। इस तरह आप इन नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं दो स्टेप्स में, आपके 2 सेकंड ही लगेंगे फाइंड करने में। तो ये थे स्क्वायर्स के स्टेप। इसके आगे मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई किस तरह कर सकते हैं इजीली, 2 स्टेप्स में आप लोगों के 2 सेकंड लगेंगे। चले मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।